साथ हैं हमारी सती माँ हरदेवी जी के पुत्र, हम उनके चरणों में अपना शीश। माता जी घास पर गिरी थी तो गेहूँ से करके, तो बोली इसमें अग्नि मत लगाना, मेरे बिना जलेगा नहीं। तो प्रशासन नहीं माना, इसमें अग्नि लगा दी। इसके पति देव बिल्कुल नहीं जले थे, जिस गोदी में जितना हिस्सा लेके बैठे हैं उतना धड़ रह गया था। फिर इसको जय गौ माता। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत प्रिय गाय हैं और बिल्कुल कुछ नहीं कहती। जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे पीछे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत ही प्रिय गाय गौ माता हमारी। गौ माता हमें आशीर्वाद दें अपना। तो आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है पलसों, और पलसों में एक सती का मंदिर है जो कि हमारी 1980 की एक घटना है, इसी कलयुग की घटना है। उस कलयुग में एक चमत्कार होता है, वो चमत्कार आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और जो ये पलसों गांव पड़ता है, ये पड़ता है आपका बरसाना से गोवर्धन की रोड पर। और अब चलते हैं शिव शक्ति माँ सती हर देवी का जो मंदिर बना हुआ है, जो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ये पड़ता है आपका पलसों में। और जिस रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सीधे हाथ की तरफ जाता है ये बरसाना की तरफ, और मेरे उल्टे हाथ की तरफ जाता है आपका गोवर्धन की तरफ। तो इसके बाद सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं हर देवी जी के। और संजी राधे राधे। तो संजी आज हम आए हुए हैं पलसों माँ हरदेवी जी, जो सती माता थी हमारी, उनके मंदिर पर और उनके समाधि स्थल पर। और जब मैं बरसाने में आया तो मैंने ये कथा सुनी, तो उसके बाद मैं अपने आप को नहीं रोक पाया यहाँ आने से। तो आप हमारे जितने भी श्रद्धालु हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ये जो कथा है वो विस्तार में आप बताएं। जय जय श्री राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। ये 19 अगस्त 1980 को जी माता जी सती हुई थी जी। तो नाग पंचमी 16 अगस्त उनको पति का शरीर पूरा हुआ था जी। तो सती का बीमारी के कारण या नहीं, माता जी की कृपा थी जी कि बेटी खराब दिन आने वाले, लब बच्चे की शादी कर दे जी। सपना दिया माता ने, दुर्गा माता ने सपना दिया, तो 14 रुपया मन में भर गए, बहुत 1000 कुंटल। तो बच्चे की शादी करी हमने, शादी करके बच्चे की, तो 2.5 मन की पैकिंग आती थी जी, चीनी बूरो और सामान। तो इसके पतिदेव लेके चढ़ रहे थे तांगड़ी में थे जी, तो कमर में चढ़का चला गया जी। तो चढ़का को इधर उधर दिखाया जी, तो बोला कि मतलब सब डॉक्टर ने, मतलब खून जाम हो गया, इसकी कैंसर हो गई है जी उस समय पे। तो उनका शरीर पूरा नाग पंचमी को 16 अगस्त को हो गया था जी। 19 अगस्त 1980 को माता जी सती वहीं पर। अच्छा जी। तो जैसे यहाँ से आके बैठ गई जी, कलेक्टर साहब आए, DM आए जी, और हेमा सक्सेना SDM थी उस समय जी। तो ये तो बहन की बेटी, तुम परकम्मा दो, तुम्हें सती करा दें। परकम्मा के बहाने से उनको उतार लिया, उतारने के बाद फिर जिला हॉस्पिटल में भर्ती कर दियो, और इतने पति दिन में अग्नि लगा दी जी। और पति दिन में अग्नि लगा दी, सब काम मारे गाँव में चले गए, इधर भाई उधर भी चले गए जी। अब जब आके सुबह देखा तो उसके ना तो बाल जले थे, ना धड़ जड़ा था, माता जी गोदी में बैठा था वो जी, और कुत्ता मतलब इधर उधर घूम रहे थे। फिर दोबारा आकर के प्रशासन उनको गंगा जी ले गए। अच्छा। गंगा जी ले गए, गंगा जी ले जाने के बाद 3 दफ़े डाल दिया गंगा जी में जी, और गंगा जी में थे बाहर निकल जाए एकदम। अच्छा, गंगा जी में वो डूबते ही नहीं थे? नहीं, गंगा ने नहीं लिया, तो सूखे में पड़े हुए वे जी। तो 2 आदमी रुके माता जी के पास, फिर हॉस्पिटल में आए सब लोग जी, और आकर के माता जी का, माता जी तो गंगा जी में निर्णय लिए जी। तो मैं तो उनके पुलिस वाले के संग हूँ, कब तक छोड़े, ये अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखते हैं जी। तो कलेक्टर साहब का बच्चा था, वो बीमार हो गया जी, तो उसने बच्चा के पास भेज दी माता जी कांस्टेबल के संग जी। रात भर बच्चा के पास रही, सुबह ही जग करके 8-9 बजे सिख समंदर में अड़के बैठ जाती है जी। तो बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती है जनता की जी। पर एक महाराज जी मृगशाला पहने हुए संत आते हैं, पर आकर के बनने को कैसे कैसे भैया भीड़ लग रही है, महाराज जी सती होना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बात है, सबकी कथा बताई उनको लिए जी। तो जब बन गई हमू दर्शन मिल जाए, बन गए तुम कर लो दुनिया कर रही है दर्शन, बन गए ना ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना दिए, इनकी कोई पता ना पड़े भैया, आप बिना आगे जाके दर्शन नहीं करते हैं। तो मन की तो दार मकार होगा सुन लो भैया, इन डर लग रहा होगा बाबा जी, सही बात है। तो जा करके फिर आज्ञा ले करके 5-10 मिनट सत्संग हुआ उनका जी। तो काव के पल्ले ना पड़ी कछी बात, खग जाने खगई की भाषा। तो उनके 5 मिनट सत्संग करने के बाद महाराज जी बोले सफ़ेद वस्त्र लाओ, सफ़ेद वस्त्र ये माता जी पहन के बैठी है जो,
अच्छा अच्छा, सफेद वस्त्र लाओ, सफेद वस्त्र गंगा जल दे दिए, इन वस्त्र के नीचे सफेद वस्त्र है। ये तस्वीर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तस्वीर उनकी है। तो सफेद वस्त्र दे दिए, सफेद वस्त्र बल दे, और बल्द के वस्त्र ने मौली माता जी महाराज जी कहा है, महाराज जी जनता से लापता हो गए। अच्छा, कोई पता नहीं चला उनका। और जब आकर के माता जी इसी भस्मी पर बैठ जाती हैं जी, 7 घंटे बैठी रहती हैं समाधि लगा के, और 7 घंटे के बाद फिर 21 परिक्रमा करती हैं, हर परिक्रमा पर दंडवत करती हैं जी। और पति का फोटो धो करके और आचमणि लिए है, और आचमणि लेते नाभि सगने आई आतंक ले लिया, सूखी ही जलने लग जाती। अच्छा जी, कोई लकड़ी नहीं, कोई कंडा नहीं, कोई माचिस नहीं, कोई तिल्ली नहीं। अच्छा जी, प्रशासन बराबर, प्रशासन सब देख रहा है। अच्छा जी, और जब कई घंटे जाते हैं जी, कई घंटे के बाद जब प्रशासन कहता है घीला और सामग्री लाओ, तो इतनी डबल भीड़ जैसे बाढ़ आ रही है कि जमुना में जी, चारों तरफ से पैदल वाले गाड़ी घोड़ा सब फ्री जी। और फिर तो जी रही है आके रही भावना, जैसे प्रो मुहूर्त देखी तन तैसे अपनी अपनी भावना, तो लोग दर्शन पा रहे हैं जी। और केसर बरस रही है और झालर संग बज रहे हैं उस दिन। हाँ, और उसी समय पर डेड बॉडी मंगनी पर बैठ गई है। अच्छा जी, वो प्रेम माँ जल रही है। इतनी कोशिश करने के बाद जो कार्य नहीं हुआ, हाँ, वो जो हमारी माँ सती हरदेवी जी जब सती हो गई हैं तब ये कार्य आगे हुआ। हाँ, इसके बाद में जब मतलब खूब आदमी जय जयकार जय जयकार, फिर उसके बाद में और 2-3 घंटे के बाद तो माता जी ने आसन लिया है जी। यूँ तो जब आसन लिया तो पैर खुले हो ये जी, और पैर इतना बाहर निकल जाता है थोड़ा सा चार अंगुर जी अग्नि से जी। तो ये महाराज जी बोले मन भैया आपने मल्ला धरो घी को या धूप सामग्री डालो, ये कच्चो रह जाओ पे हम, और सबरी मग्नि है गई है बन के ये डंडी है, डंडा सरका दो। जब डंडा हाथ में लेते हैं ना तो माता जी देखते देखते पैर भीतर खींच लिया, किसी को छूने नहीं दिया शरीर। तो ये भी अपने आप में एक चमत्कार है कि अग्नि शरीर में। हाँ, सबरी शरीर में अग्नि लग रही थी तो लेटी थी तब की बात है, 2-3 घंटा पीछे की जी जी एकदम, जैसे आदमी यूँ लेटता है जी, तो ये पैर खुलता हो जैसे इतना खुल गो बाहर जी। और नहीं घी नारियल चढ़ रहा सबरे पे जी, तो बाकी बाद में जब सुनते सुनते ही अच्छी ने नहीं दिया किसी को, अपने आप आसन ले लिया हमारे देखते देखते जी। पर तो ये है कि जाके रही भावना जैसी प्रो मुहूर्त देखी तन तैसी, अपनी अपनी भावनाओं से लोग दर्शन पा रहे हैं, सब कुछ आँखों देखा है हमारा। आप भी नहीं थे उस समय। हाँ, तो जब ये कोई चरित्र पूछता है तो हमारी आँख गदगद हो जाती है आत्मा, मतलब उसी को देखते रहते हैं हम। अच्छा अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी रही होगी लगभग उस समय? 25-26 साल की थी उस समय। 25-26 साल, तो बिल्कुल एकदम यंग एज में थे आप। हाँ, बिल्कुल युवा अवस्था। हाँ, 10 साल ही बड़े थे, 35-36 साल की उम्र में सती वहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या अनुभव था आपका वो? अनुभव क्या था, मतलब ये तो ठाकुर जी जाने, मतलब क्या अनुभव, उन्हें कैसे कैसे जुड़ाव बन गए, मैंने हम पहलवानी करते थे, वो पहलवानी करते थे उस समय पर। अच्छा अच्छा, उनके पति। हाँ जी, 3 अखाड़े थे गांव में, इधर उधर लड़ने जाते दुनिया तमाशो देख हुआ भाई कुछ दिन को। अच्छा अच्छा, बस इतने की प्रेम था हमारा उनका। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद से आपने भी संन्यास अपना लिया? अरे माता जी ने सब कुछ फ्री कर दिया, बच्चे थे मेरे पास, मेरे साथी भाई कहीं दो। अच्छा अच्छा, अब 3 लड़के 1 लड़की 4 बच्चे हैं मेरे पास जी, और सब फ्री कर दिया मैं, माता जी ने शादी विवाह करके सब आनंद दे रखा है मेरे साथ तो। अच्छा अच्छा, तब आप जीवन का असली आनंद ले रहे हैं अब। अच्छा, अरे जब तो टाइट हुई होती यार भैया धनबर में जो कलेसी कलेश रन, तो 1 लाख रुपया रोज कमा लो मैं, ऐसा ठीक हो तो मेरे पास में। अच्छा जी, अब ये बिजली चार पोल वाइल लेने का नहीं ना जी, या फाउंडेशन में ठीक हो तो जी, और एक फाउंडेशन रोज तैयार कर दो, 1 लाख रुपया बचाई वहाँ मैं जो रोजाना जी, और जब शांति ना मिले अब शांति मिल रही है। सही बात है, धन माया में वो शांति कभी नहीं मिलेगी जो भगवान की आराधना में। अब ये माता जी का पुत्र है बीच वाला जी, ये भी माता जी की सेवा में लगा रहता है, बाल ब्रह्मचारी है जी, दिनभर कथा कहते रहते हैं जी, अतिथियों की सेवा करते रहते हैं जी, और अतिथि आते हैं तो दारू छुड़ाने की भी दवाई देता हूँ मैं। अच्छा, और जिनके बच्चे नहीं होते 10 साल 5 साल हो जाए उनके बच्चे की भी दवाई देता हूँ जी, और बवासीर की कई रोगों की दवाई देता हूँ, माता जी के पास लेता कुछ नहीं हूँ, सेवा में करता रहता हूँ, मुफ्त सेवा है, मुफ्त बस दिल से दुआएं चाहिए। सही बात, जब ये लोग जुड़े हुए सवर फवर की सब की दवाई ले जाते हैं या सब। तो आपने सुना, तो हमारे संजी आपका शुभ नाम क्या है? देवकी दास कहते हैं मेरे को, सेवक देवकी दास। तो ठीक है देवकी दास जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने कार्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो इसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ हमारी सती माँ हरदेवी जी की, उस फोटो के जो हमारे वो दिव्य संत आए जिन्होंने उन्हें
सफ़ेद वस्त्र पहनाए थे और उनके बेटे के भी। बने रहिए मेरे साथ। तो अब सामने आपको दर्शन कराते हैं हमारी सती माँ हरदेवी जी के, ये उनकी प्रतिमा बनी हुई है बहुत ही सुंदर। जय हो हमारी माँ हरदेवी जी। ये भी अग्नि वाली मूर्ति है, बस पत्थरों में लगी रहती है। जी जी, ये सब अग्नि वाली मूर्ति है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी। हाँ, वही मूर्ति ना, जाल वाला है। में से। हाँ जी, और वस्त्रों में पत्थर रखते हैं, लगी हुई है। ये तस्वीर है उस समय की, जब जो वस्त्र बलदे थे। अच्छा अच्छा, जो हमारे बोले संत आए थे, जो उस समय सफ़ेद वस्त्र दिए थे। और इसके नीचे रखी हुई है जी, तो जो प्रशासन पकड़ के ले गया था जी, तो लीली साड़ी में ही रही तीन दिना, एक ही साड़ी में। तो लीली साड़ी वाली लेटी हुई जी नीचे की है। तो इसके बाद आपको नीचे दर्शन कराते हैं, जो हमारी सती माँ हरदेवी जी की नीचे नीली साड़ी में लेटी हुई एक प्रतिमा है। बने रही है हमारे साथ। ये राधे श्याम जी को लेकर के माता जी उस समय पर आके बैठी थी, 16 अगस्त को, उस समय का फोटो है ये, 16 अगस्त को। महाराज जी, ये नीली साड़ी वाला फोटो है। नीली साड़ी वाला फोटो है। तो ये प्रशासन ने कहा था माता जी से कि तुम परिक्रमा दो, तुम सती करा दें। तो वह टाइम पे प्रशासन, लेडीज पुलिस थी, तो सबको हटा दिया। धीरे धीरे आप आगे आगे तीसरी परिक्रमा में माता जी को पकड़ लिया, और माता जी घास पर गिरी थी तो गेहूँ से करके, तो बोली इसमें अग्नि मत लगाना, मेरे बिना जलेगा नहीं। तो प्रशासन नहीं माना, इसमें अग्नि लगा दी। इसके पति देव बिल्कुल नहीं जले थे, जिस गोदी में जितना हिस्सा लेके बैठे हैं उतना धड़ रह गया था। फिर इसको दूसरे दिन गंगा जी पे लेके गए थे, गंगा मैया ने वही नहीं लिया था इस, और माता जी को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। 11 इंजेक्शन बेहोशी के लगाए, माता जी कोई बेहोश ना बनी थी। फिर बाकी बाद में आकर के सती हुई हैं, 19 अगस्त को आकर के सती हुई हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो हमारे साथ हैं हमारी सती माँ हरदेवी जी के पुत्र, हम उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो संजी, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? वैसे तो नंद किशोर है। नंद किशोर, संत को नाम नंदलाल शरणा। अच्छा अच्छा जी, तो आपने संत बनने का फैसला कब से लिया? फैसला का माता जी अपने आप कर रही थी, उनकी कृपा हुई तो आप संत बन गए। उनकी इच्छा। तो आपकी कितनी उम्र रही थी जब आपकी माता जी सती हुई थी? 6 या 7 साल के होंगे। 6 या 7 साल के, तो आपको लगभग उतना बोध और उतना याद भी नहीं होगा? नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप कितने भाई बहन थे संत जी? 5। 5, दो तो, बहन दो भाई, 3 भाई। अच्छा अच्छा, तो आप सबसे बड़े थे या बीच में थे? बीच के। अच्छा, बीच में। दो बहन और दो भैया हमें ऐसे धोरे। अच्छा, सूर्यमुखी बोलते हैं हमको। जी जी, और एक गोर और तुम जैसे बड़ा भैया। जी जी, वो खेती संभाल रहा। तो हमें माँ, जो आपका जो बचपन बीता, उस माँ का प्यार और आपके जो पिताजी राधे श्याम जी का प्यार, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। हम तो बच्चा है ना, हमें ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा, तो बाकी और भी आपके भाई बहन जो बताते हो आपको? वे बताते हैं, माता जी की बात बताते हैं। जैसे माता जी पुलिस पकड़ ले गई जी, और पुलिस पर पीछे जमानत पे लाए माता जी के लिए जी। जो माता जी ने गोद में रखे वो बाहर तक नहीं जले जी, उसे गंगा जी ले गए जी। और एक संत आया, संत वहाँ बैठा, माया बैठी वहाँ, आया तो बात करी 5 मिनट, वो तुरंत अंतर ध्यान हो गया जी जी। क्योंकि ताऊ को, हमारे ताऊ जिंदे हैं अभी, 96 साल के हो गए हैं जी। बिन को मिला, बिन को मैंने पूछी संत के बारे में, ताऊ बात बताओ जी। तो बिन ने पेट्रोल पंप पे मिला बैठा है नल पे जी, और काऊ को नहीं दिख रहा जी, बिन ने दिख रहा खाली जी। बिन ने ढोक दई है, कही महाराज तुम्हें देवी बोल रही है। तो बहन कही बच्चा मैं 8 बजे आऊँगा शाम को जी, आज चौथा दिन आएगा मैया भूखे प्यासे। तो बा ने अपनी अनुभव की बात बताई, मैंने मृग छाला पकड़ ली, बन के बाबा मैं अभी कंधा बैठा ले जाऊँ अभी, बन के बच्चा पीछे उदेगी, जो पीछे उदेगी अंदर जाने के तो संत मैया मौका मिल गया, मैया यहाँ आके बैठ गई जी। शाम को 21 पर कम्मा लगाई, 8 बजे पहले तो सब कुरामा कृष्णा करिए। अच्छा, वो स्थल यही था जहाँ पे वो सारी घटना घटित हुई थी? घटित हुई जी। और सबको प्रणाम करिए, नाभि से अग्नि प्रकट भैया। अच्छा, नाभि से, नाभि से मैया ने जो हाथन में ले, हाथन में फिर रिग्गा लगा के। अच्छा, जनता जानिए ऐसे अग्नि प्रकट करिए रिग्गा से जी, रिग्गा से नहीं।
फिर इतने का कपड़ा जर रो शरीर पहले जर रो सब कपड़ा पीछे जर रो। अच्छा अच्छा इतने का असर देखो सबने जी। और शीतल अग्नि वो जी शिव शरीर बजा रही जी और सब जयकारे बोले। फिर माता जी ठाड़ी है गई जी, अग्नि जब चालू है गई है जी, यूँ फिरा रही है सब शरीर में ठाड़ी है। कह रहे सुनो सुनो भविष्य की कोई बात बता रही जी। लेकिन पुलिस की भी बहुत भीड़ ही सती मैया की जय जयकार में कोई ने नहीं सुनी। ऊपर अच्छा। थे केसर वर्षी तीन तरह की, अच्छा अच्छा सफेद लाल पीली जी। केसर को हमें यूँ ध्यान है, हम बच्चा से सड़कन पर छतन पर बस चंदन लगाम थे जी अपनी सब जगह पे जी, चंदन को शौक बच्चा रहता है जी। जब हमको केसर की शौक है जी और झालर घंटा विमल ऐसे से बाजे बजे सब उन्हें देखे जी। एक नारियल आया ऊपर से, वो दिव्य नारियल था जी, वो चिता से यूँ लुढ़क गया जी। तो दुनिया ने एक भगत जी था राम प्रसाद नाम का, अब तो चलेगा वो दिखामत डोलो ये नारियल कहाँ से आया हो। बाकी कीमत वह समय पर 5 रुपया थी वह नारियल, वह समय मध्य जमाने 5 पैसा को नारियल आता था उस समय जी, 10 पैसा 5 पैसा का आता था। तो 5 रुपया सब दिखाया, दुकान जब लग गए भाई नारियल फोन पे से आया हो मारा 5 रुपया के को ले लो, हम पे तो नहीं नारियल आया, वो दिव्य नारियल आया ऊपर से जी। देवता ने खुशी मनाई और देखो मैया फिर हल्ला मचो कि भैया सूखी जल रही है सूखी जल रही है जी, 1.5-2 घंटा तक सूखी जल कर रही है जी। फिर धीरे 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 सुई की तरह चाल की तरह अचक अचक लेट गई है सितार, घी वाले फिर घी डालते रहे जी। जब यहाँ से सारा पजर गया ऊपर से जी, एक पाम को ये जोड़ खुल गया यूँ, जो पाम नीचे लटक गया चिता ऊँची ना जी, तो ये पाम ये नीचे लटक गए जोड़ खुल गए। तो एक हमारे भैया ने वो पाम छियो, ये गोविंद नाम के लड़का ने छियो जी, हमारे भैया का नाम उमा शंकर बनेन भांशी, तो सीरियो कंठ पाम हो जी। फिर बड़े बूढ़े बोले पुलिस बोली भाई सती के पाम ते मत छियो कोई जी, हाँ इससे छियो अपराध लगे। तो बाँस ते सरकार बुढ़े ने बाँस उठायो, मैया ने जोर खोलो खुला पाम न्यू लगा लियो पालती में, जनता दांत तले डोंगरिया लेंगे सबरी जल गई जब जी। जबकि ये बात है ऐसी सती आज तक किसी ने शास्त्र में मैं नहीं सुनी, क्योंकि अनसुईया और ये सब अर्ची माता भाई जो चौथे अध्याय में भागवत में जी विष्णु भगवान पृथ्वी के रूप में आए जी, विनो पृथ्वी भगवान जब शरीर छोड़ गए अर्ची माता ने चिता बना के और वह शरीर धड़के लकड़ी धड़के जब आग लगा के जब कूदी माता, अर्ची माता लक्ष्मी को बता रही श्रीमद भागवत गवाही दे रही है जी। लेकिन ऐसे सती नहीं हुई आज तक जो कल युग में ऐसा ऐसे तीनों युगों में ऐसा प्रमाण जो हम पढ़ते रहते हैं किसी में नहीं मिला, जो ऐसा प्रमाण अपने आप अग्नि प्रकट हुए और ठाड़ी है कि जो के रुको सुनो 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 सब ने कोई ने नहीं सुनी, जय जय कारण लगे केसर वर्षी झालर घंट बजे सब ऐसा चमत्कार हुआ। ये सन 1980 की बातें, सब ने देखा था अभी बुढ़े जिंदे हैं, जिन जिनने देखा था भी अभी जिंदे हैं, कोई कोई मरा जी वो सती मैया। तो हम अपने संजी से पूछना चाहेंगे कि वो इस जन्म में उनके पुत्र बने हो तो उनका कैसा अनुभव रहा और आपको कैसा महसूस होता है उनका पुत्र होने के नाते, क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। ये अनुभव ऐसा हो रहा है कि हमारी कोई हमसे गाली दे जी तो भी हमको उस पर गुस्सा नहीं आ रही, जिस नहीं आ रही, क्यों कि ना किसी से ईर्ष्या आ रही जी। जब हमारा अंतकरण भजन करते करते शुद्ध हो जाता है अंतकरण मन जी, फिर उस मन में जैसे दाल बनाओ जब कच्ची रहेगी जब तक वो फुदुक 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 करेगी, जब दाल पक जाए तो शांत हो जाएगी बिल्कुल। जब घी को उठाओ कच्चे घी को जो लोनी घी को उठाते हैं वो खुदो खुदो करता है, जब और जाता है फिर वो शांत हो जाता है जी। ये अनुभव की बात है, हमारा ना कोई दुश्मन नहीं बैरी, शांत है अंदर से शांत है, बाहर से भले ही कोई ज़्यादा ऐब करो तो ज़्यादा किल्ला देंगे लेकिन अंदर से शांत है। ये अंदर की शांति नहीं मिले काऊ के लिए बहुत नहीं, पैसा तो करोड़ करोड़ 20 करोड़ काऊ के 100 करोड़ लेकिन इनके लिए अंदर की शांति नहीं है, अंत्यंत की शांति हमारे लिए मिली, ये अनुभव बताया है। बहुत अच्छी बात है जी, जय जय श्री राधे, जय जय सती मैया। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए माँ हर देवी सती मैया जी के और उनके मंदिर के और उनके पुत्र के, कि उनकी बहुत ही अच्छी बातें लगी हमें, बहुत ही अच्छा उन्हें ज्ञान है। ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहते हैं हमारे ब्रिज के जो ऐसी दिव्य लीलाओं के, इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें,
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोबारा हम अपने संजी के पैरों में अपना सर झुकाते हैं, संजी हमें आशीर्वाद दें अपना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी जय जय श्री राधे, जय जय सती मैया।